कोरोना के इलाज को लेकर के एक बड़ा कमाल का अपडेट लेकर के आया हूँ। नमस्कार, द बेटर इंडिया हिंदी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पार्थ, और चलिए शुरू करते हैं दिन भर की तीन तगड़ी पॉजिटिव खबरें जो आपका दिन बना देंगी। तो आज की जो सबसे पहली तगड़ी पॉजिटिव खबर है वो है कोविड के इलाज को लेकर के। दरअसल अगर बात करी जाए किसी परफेक्ट दवाई की, किसी परफेक्ट वैक्सीन की, तो शायद अब तक जो दुनिया है वो पूरी तरीके से खाली हाथ है। लेकिन अगर बात करी जाए प्लाज्मा थेरेपी की, तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो इस प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हो रहे हैं। इसी प्लाज्मा थेरेपी के समान भारत की एक स्वदेशी कंपनी एक वैक्सीन बना रही है, यानी कि प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के एक वैक्सीन बना रही है, ताकि बेहद कम मात्रा में, बेहद कम पैसे में, बेहद कम लागत में इसको लोगों को आसानी से प्रोवाइड किया जा सके। खासतौर से जो रिमोट एरियाज हैं जहां पर प्लाज्मा बैंक्स नहीं है, वहां पर इस वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा। और जो इसके फर्स्ट फेज के जो ट्रायल हैं वो भी अब शुरू होने जा रहे हैं। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि दुनिया को इनफैक्ट ये स्वदेशी वैक्सीन मिलेगी, एक प्लाज्मा थेरेपी वैक्सीन मिलेगी। तो मुझे लगा ये कमाल का अपडेट शायद आप तक जरूर पहुंचना चाहिए था। बात कर लेते हैं आज की दूसरी सबसे तगड़ी पॉजिटिव खबर की। तो उन सभी लोगों के लिए खबर है, खुशखबरी है, जो लोग फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं। कहा यह जा रहा है कि अब DGCA ने ये जो खाना फ्लाइट में मिलता था, और जो फ्लाइट में जो एंटरटेनमेंट होता था अब तक, इंफोटेनमेंट जिसको कहते हैं, उन सभी को फिर से शुरू करने का प्रावधान बता दिया है। जो नोटिफिकेशन है उसको जारी कर दिया गया है, यानी कि अब अगर आप फ्लाइट में जाते हैं और आपके टिकट में मील इंक्लूड है तो आपको फूड मिलेगा। और लेकिन हाँ, सरकार ने और DGCA के स्पेशली तरफ से गाइडलाइन में कहा गया है कि अगर आपने मास्क नहीं पहना तो शायद आपका नाम नो फ्लायर्स लिस्ट में चला जाएगा और आप अगले 5 साल तक फ्लाई नहीं कर पाएंगे। तो एक कमाल का अपडेट मुझे लगा शायद आपको जरूर बताना चाहिए। बात कर लेते हैं आज की तीसरी सबसे बड़ी तगड़ी खबर की। और ये जो तगड़ी खबर आई है, ये आई है केरल के एर्नाकुलम से। कुछ लोगों को पेड़ पौधे इतने ज्यादा पसंद होते हैं कि शायद वो अपनी पूरी लाइफ इन पेड़ पौधों की रक्षा में, इनसे दोस्ती करके इनके साथ निकाल देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एर्नाकुलम के एक छोटे से बच्चे की। एर्नाकुलम में एक छोटा सा बच्चा, उसने 2 साल पहले एक पेड़ लगाया और आंवले का ये पेड़ था। 2 साल से लगातार वो उस पेड़ को सींच रहा था अपनी मेहनत से, उसको लगातार पानी दे रहा था, वो उसका एक तरीके से दोस्त था वो पेड़। लेकिन किसी ने रातों रात उस पेड़ को निकाल दिया। अब वो बच्चा बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, और जब वो दुखी हुआ तो उसने केरल सरकार की एक चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन में कॉल करके अपने इस दुख का कारण बताया और कि मैं क्यों दुखी हूँ। और ये जो हेल्पलाइन है वो बेसिकली इन बच्चों के लिए ही शुरू करी गई है अभी रिसेंटली कोविड टाइम्स में, क्योंकि जो बच्चे हैं ताकि किसी भी तरीके के पैनिक में ना हो, क्योंकि वो घर पे हैं, लॉकडाउन में हो, बोर होते हैं, किसी भी तरह के उनको स्ट्रेस ना हो, ये हेल्पलाइन उसी भी शुरू करी गई थी। और इस बच्चे ने इस हेल्पलाइन का इस्तेमाल करके प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाई। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि अगले दिन सुबह सुबह उसके घर में कई सारे अधिकारियों का जमावड़ा लग गया और वो सभी पेड़ पौधे लेकर के उसके घर पे पहुंचे थे। और इतना ही नहीं, जब ये पूरी जो ये इंसिडेंट है, जब ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो केरल की कोची की ही कंपनी ने इस बच्चे को CCTV भी दिया कि अगर तुम्हारे घर के पहाड़ अब कोई पेड़ काटता है तो तुम उस CCTV से एटलीस्ट देख सकोगे। तो मुझे लगा ये कमाल का एक अपडेट, कमाल की खबर जो केरला से आई है, ये आपको जरूर पहुंचानी चाहिए थी। ये आज की सबसे खूबसूरत तस्वीर थी। फिलहाल आज के तीन तगड़ी पॉजिटिव खबरों में इतना ही। कल फिर आऊंगा दिन भर की तीन तगड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ, अपडेट्स के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। बाकी तमाम सारी खबरों के लिए, पॉजिटिव खबरों के लिए पढ़ते रहिए द बेटर इंडिया हिंदी। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।